राजकुंद्रा के चार कर्मचारी गवाह देने के लिए राजकुंद्रा के खिलाफ गवाह देने के लिए तैयार हो गए हैं। राजकुंद्रा की कंपनी के चार कर्मचारी उनके खिलाफ गवाही देने की बात कही है। तो लगातार कुंद्रा पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस की हिरासत में है राजकुंद्रा। राजकुंद्रा के खिलाफ पुलिस का केस और ज्यादा अब मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उनके इम्प्लाई, चार इम्प्लाई ऐसे हैं जो राजकुंद्रा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसे में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं राजकुंद्रा की, क्योंकि उनके कंपनी के चार कर्मचारी ही उनके खिलाफ गवाह बनने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस के हिरासत में है राजकुंद्रा और लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि अब और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार राजकुंद्रा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और अब ये मामला जो सामने निकल करके आ रहा है कि चार उन्हीं के कर्मचारी उनके खिलाफ गवाह देने के लिए तैयार हैं, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जिस तरह से पोर्नोग्राफी मामले में राजकुंद्रा के घर के तमाम लोगों से पूछताछ की गई थी, हालांकि राजकुंद्रा को लेकर खुद क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पहुंची थी। इस दौरान उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी का भी बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद से लगातार जो तमाम आम जानकारी मिले तो उसके आधार पर क्राइम ब्रांच जो है उनकी कंपनी का भी जांच करना शुरू कर दी है। इस दौरान क्राइम ब्रांच को सबसे अहम कड़ी मिली है कि क्राइम ब्रांच ने ये जानकारी दी है कि राजकुंद्रा की कंपनी में ही काम करने वाले चार उनके जो सहयोगी है वो क्राइम ब्रांच को बतौर सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से राजकुंद्रा की कंपनी में काम करने वाले लोग अब सरकारी गवाह बनते हैं, जाहिर तौर पर जो केस की मजबूती होनी चाहिए वो कहीं कहीं क्राइम ब्रांच के हाथ में जाती भी दिख रही, लिहाजन अब क्राइम ब्रांच को तमाम बड़े आम सुराग मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से जानकारी यह मिली थी, राजकुंद्रा जो है अपनी न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में जो उनकी कंपनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं लुका छुपी के तौर पर तमाम तरह के पैसे बनाने की तैयारी में थे। लिहाजन जो जिस तरह से सर्वर के द्वारा एक ऐप बनाया गया था, उस ऐप के जरिए जो है अश्लील वीडियो अपलोड कर ज्यादा फॉलोअर बनाने, उसके बाद उसकी कमाई करने का मामला सामने आया, तो उसमें कहीं कहीं क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। ये माना जा रहा है कि अगर ये चारों लोग राजकुंद्रा के खिलाफ गवाही देते हैं या जानकारी शेयर करते हैं, जाहिर तौर पर राजकुंद्रा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। लिहाजा ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आज क्राइम ब्रांच ने समन लेकर तीन लोगों को बुलाया था, उनमें से दो लोग जो है क्राइम ब्रांच अब तक तब तक पहुंचे हुए हैं और लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरह से राजकुंद्रा ने अब तक फिल्मों को बनाया है या फिर इस तरह के वेब सीरीज के नाम से असली फिल्में पोर्नोग्राफी को हवाला देकर बनाया है, वो कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश आने वाले समय में हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से सत्यप्रकाश अगर बात की जाए राजकुंद्रा की, तो 23 जुलाई को राजकुंद्रा के रिमांड आगे बढ़ाने की मांग करते हुए मुंबई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को जो दलीलें दी थी, और लगातार ये भी मामला सामने आया था कि शिल्पा शेट्टी के और राजकुंद्रा के जो ज्वाइंट अकाउंट हैं उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं संलिप्तता जो शिल्पा शेट्टी की भी सामने आ रही है, तो क्या अब तक कोई शिल्पा शेट्टी की तरफ से बयान आया या फिर ये जो चार जो एम्प्लाई हैं राजकुंद्रा के उन्होंने गवाह देने के लिए वो तैयार हो गए हैं, गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया कि उनका शोषण किया जा रहा था? देखिए, जिस तरह से लगातार क्राइम ब्रांच की दबिश जो है उनकी कंपनी के ऊपर चल रही थी, हालांकि राजकुंद्रा की जो वियान नामक कंपनी है, वियान कंपनी में जो लोग काम करने वाले थे उन लोगों को जो है दबिश दी गई थी। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज, जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।